हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए पावरफुल वीडियो में। अंत निकट है मेरे प्रियजनों। किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे अभी बहुत दिन तक जीना है, मुझे भी मरना नहीं है। मैं इस भाई से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु मसीह ने कहा, भैया बड़े दुख तकलीफ उठाकर आपको स्वर्ग आना पड़ेगा। और यहाँ कमेंट में क्या हो रहा है, आगे लिखा रोमियो 8:13 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और यहाँ पर ये भाई क्या बता रहे हैं, मुझे अभी बहुत दिन तक जीना है, मुझे अभी मरना नहीं है। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं तो पक्का ही मरेंगे। सुधर जाओ और बचा लो खुद को। 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा, 3.5 साल क्लेश काल के और 3.5 साल महाक्लेश काल के। जब 7 मोहरों में से दूसरी मोहर खोली जाएगी तो क्या होगा। उस समय हाहाकार मच जाएगा इस धरती के ऊपर। ये मोहर कब खोली जाएगी, जब परमेश्वर मेल उठा लेगा, जब शांति उठा लेगा, तब ये मोहरें खोली जाएंगी। जब मसीह विरोधी का दिन, मसीह विरोधी का समय जब चलेगा। आगे लिखा प्रकाशित वाक्य 6:3-4 में, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो दूसरे प्राणी ने यह कहते सुना कि आ, और फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। लाल मतलब खतरा, डेंजर। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसको बड़ी तलवार दी गई। जब परमेश्वर, जब मेमना, जब यीशु मसीह दूसरी मोहर खोलेगा तो जो दूसरा प्राणी होगा, यह कौन योहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा, यह सब होगा मसीह विरोधी के दिन में होगा। जब शांति उठा ली जाएगी, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, इस धरती पर शांति नहीं रहेगी, तो उस समय हाहाकार मचेगा, गला काटना स्टार्ट कर देंगे। उसको तलवार दी जाएगी और उस समय हाथ काटेगा, गला काटेगा, गर्दन काटेगा। इतना हाहाकार मचा होगा उस समय। अभी तो भैया बड़ा मजा आ रहा है सामने वाली लड़की को आंख मारने में, अभी तो अच्छा नजर आ रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है दूसरों की चुगली करने में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, मुंह से गालियां बकने में, दारू पीने में, शराब पीने में, गुटखा खाने में, बीड़ी पीने में, तंबाकू खाने में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो गर्लफ्रेंड बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। याद रखना, आप लाल घोड़े के हाथों में पड़ गए तो आपकी गर्दन उड़ा देगा वहीं से। अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रकाशित वाक्य बताते हैं अंत और युद्ध के बारे में। सुधर जाओ, जो ये बाइबल है भाई, ये कोई खेल नहीं है। अच्छे अच्छों का तेल निकल जाएगा उस समय। और आगे लिखा, जब परमेश्वर 6वीं मोहर खोलेगा, जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रधान लोग हैं जो रह जाएंगे उनके लिए, तो हाहाकार मच जाएगा। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। वे तो बचाने के लिए अपने आप को पहाड़ियों की छेदों में जाएंगे, अरे गड्ढों में जाकर छिपेंगे, और क्या कहेंगे, ऐ पहाड़ियों हम पर गिर पड़ो, ऐ पहाड़ टीलो हम पर गिर पड़ो, हम जीना नहीं चाहते हैं। उस परमेश्वर के कहर से, मेमने के प्रकोप से, मेमने के क्रोध से, यीशु मसीह के क्रोध से हमको छिपा लो। अभी तो अच्छा नजर आ रहा है। याद रखना, जितने धनवान हैं, स्वतंत्र दास हैं, धनवान हैं, सामर्थी हैं, राजा हैं, प्रधान हैं, ये छूट जाएंगे। इनका गारंटी के साथ यहाँ रह जाना तय है, बाइबल बताती है। और यही लोग अपने आप को बचाने के लिए गड्ढों में, छेदों में जाकर छिपेंगे। जब यीशु मसीह 6वीं मोहर खोलेगा तब ये सब होगा। अभी समय है। आगे प्रकाशित वाक्य बताते हैं 8:10-11 में, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उनका उस तौर का नाम नागदौना कहलाता है।
और एक तिहाई पानी नाग दोना सा कड़वा हो गया और बहुत सारे मनुष्य उस कड़वे पानी को पी के मर गए। ऐसा समय आएगा जब तीसरा स्वर्गदूत होगा, जब तुरही फूकेगा, जब परमेश्वर को आदेश देगा, हुक्म देगा, जा जितने लोग यहाँ पर रह गए हैं पृथ्वी पर उनको बता दे मेरे क्रोध का पता तो चले, जितने रह गए हैं, जब तीसरा स्वर्गदूत तुरही फूकेगा, जब पानी है नदियों का पानी है यह कड़वा हो जाएगा, नलों का पानी यह कड़वा हो जाएगा, एक तिहाई कड़वा हो जाएगा। और क्या होगा, जितने लोग उस पानी को पिएंगे वे मर जाएंगे। और ऐसा ही होगा। आगे बाइबल बताती है नव अध्याय के प्रकाशितवा के वचन में लिखा हुआ है, जब सात त्रयों में जब स्वर्गदूत फूकेगा, जब पांचवा स्वर्गदूत होगा, आगे लिखा, और जब पांचवा स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का धुआं उठा और उस धुएं में से क्या हुआ, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को ना किसी हरियाली को ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप या मोहर नहीं है, जो रह जाएंगे, जो यहाँ पर रह जाएंगे उनको पांच पांच महीने बिच्छू डंक मारेंगे, लगातार मारेंगे और मौत भी नहीं आएगी, उसको मृत्यु भी नहीं आएगी, इतना तड़पाएगा, उनको तड़पाने का अधिकार दिया जाएगा। आगे लिखा, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसा मानो बिच्छू के डंक मारने से होती है। और आगे लिखा, वो पशु और उस मूरत की पूजा करते थे और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा, यहाँ भी तड़पाया जाएगा और नरक की झील में परमेश्वर अनंत काल के लिए तड़पाएगा। याद रखना, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं होगा पहले तो 7 साल के लिए यहाँ पर तड़पाएगा, मसीह विरोधी मार डालेगा, परमेश्वर जब तुरहियां फूकेगा मोहरे खोलेगा, दुनिया भर की मुसीबतें आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी और मरने के बाद परमेश्वर डायरेक्ट उसका न्याय करके नरक की झील में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगानुगुप्ता रहता है। बाइबल बताती है उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। इतना हाहाकार उस समय मचा होगा। अभी छोड़ दो, पवित्रताई के साथ, खराई के साथ यीशु मसीह में अपना जीवन बिताओ, ईमानदारी के साथ जीवन बिताओ, एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो, डाह मत करो, अगला इंसान पाप कर रहा है वो कर रहा है मैं भी देख के करूंगा। याद रखना, यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको सच्चाई मालूम है, सत्य को जान चुके हो, तो यहाँ पर क्यों रह जाओ, क्यों छूट जाओ, क्यों यहाँ पर रह जाओ, यीशु के साथ पहले ही चले जाओ ताकि आप इन सब विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। आगे लिखा प्रकाशित वाक्य 16:8-9 में, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पे उंडेल दिया, ये जो सूर्य चमक रहा है इस पर चौथा स्वर्गदूत जब परमेश्वर आदेश देगा उस पे उंडेलेगा। और आगे लिखा, और उन्हें जब चौथा कटोरा स्वर्गदूत उंडेलेगा और उसने मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। और 9 आयत में, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब विपत्तियों पे अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फेराया। याद रखना, यदि आप यहाँ पर रह गए 7 साल में आपको रोना भी नहीं आएगा, खून के आंसू आंखों से निकलेंगे, अरे मरने नहीं देगा परमेश्वर, मरने तक नहीं देगा, आपकी जान निकाल लेगा मगर मरने नहीं देगा, जान रख देगा आपके अंदर, तड़पाने का अधिकार दिया जाएगा,
ये जो सूर्य चमक रहा है मसीह विरोधी के दिन में, इसको आग बना देगा परमेश्वर। इसकी जो किरणें निकलती हैं, इसकी किरणें मनुष्यों के ऊपर पड़ेंगी, मनुष्यों की चमड़िया अरे जिंदा सिकुड़ जाएंगी, उनकी चमड़िया जिंदा ही जल जाएंगी, उनकी चमड़िया सिकुड़ जाएंगी। और लिखा वे मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, मौत मांगेंगे मौत नहीं आएगी। याद रखना जब स्वर्गदूत कटोरा उठा लेगा, जब पशु का सिंहासन होगा उस पे अंधेरा छा जाएगा, जितने पशु की पूजा करते होंगे उसकी छाप लिए होंगे। याद रखना उनके उनको एक दुखदायी फोड़ा निकलेगा, उनके शरीर में फोड़े निकलेंगे और वे पीड़ाओं के मारे अपनी अपनी जीभ चबाएंगे, अपनी अपनी जीभ चबाने लगेंगे। इतना हाहाकार मचा होगा, मचा होगा। यीशु मसीह फिर से कह रहा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 16:15 में, देख मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और उसका कोई नंगापन ना देखे। याद रखना तैयार रहो, यीशु मसीह आने वाले हैं। पाप विचार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दो, एक खराई के साथ ईमानदारी के साथ जीवन बिताओ। याद रखना जो मसीह में रहकर संसार के साथ चलते हैं परमेश्वर उनको नहीं देगा स्वर्ग, जो संसार में रहकर यीशु मसीह के साथ चलते हैं उनको प्रभु स्वर्ग उठाकर ले जाएगा, उनको लेकर जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह भाइयों के पास दबा के, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए, मन बदल जाए, क्योंकि समय कम है और अंत निकट है। यीशु द्वार पे खड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है। क्यों आप इन विपत्तियों का सामना कर नहीं पाओ? यदि आप पहले ही चले जाओगे तो 7 साल में आपको झेलना, दुख तकलीफ पीड़ाएं झेलना नहीं पड़ेगा। मरुआ डालेगा मसीह विरोधी, याद रखना इस बात को। वो तरस नहीं खाएगा, रहम नहीं खाएगा। अभी समय है, अभी लौटाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना छोड़ दो भाई। कब तक एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहोगे? कब तक? याद रखना अगर आप ये सब करते हो, आपका चर्च जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सब व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। परमेश्वर आपका जीवन देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है, मेरा परमेश्वर। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह बंधु के पास, ताकि बहुत सारे लोग बचें और सच्चाई को जानें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे हमारे अनेक वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।